बिसमीम् अल्लामक रहा वबरकु बारह रमजान दौलत वाली तस्वीर ये तस्वीर दौलत को खींचती है रमज़ान में लाजमी पड़े नाजिन आज बारह रमज़ान मुबारक का दिन है आज तमाम मुसलमानों का बारवा रोज़ है इस दिन की फजीलत यह है कि इस दिन यानी बारहवें दिन नबी पाक सल्हलम ने फ़रमाया कि अल्ला तुम्हारे गुनाहों को माफ़ कर देगा इस दिन तुम्हारी नेकियां लिखी जाएंगी और इस दिन जो भी नेकी की जाएगी यानी जो भी नये किया जाएगा तो हर नेकी के बदले अल्लाह एक लाख नेकियां लिखेगा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत कितनी खुश नसीब है कि रब कायनात ने आप वसल्लम की उम्मत को रमजान के महीने से नवाजा इस महीने का एक एक लम्हा एक एक घड़ी बहुत कीमती है तो अगर आप दौलतमंद होना चाहते हैं बेताशा दौलत चाहते हैं अपने रिस्क में फरवानी चाहते हैं वसत चाहते हैं तो आज बारा रमजान ये दौलत वाली तस्वीर लाजमी पढ़ें ये दुआ पढ़ें जो रमजान में इस दुआ को पढ़ेगा तो उसका रिस्क बढ़ेगा क्योंकि ये महीना वैसे भी अल्लाह का महीना है जिसमें अल्लाह बनों का रिस्क बढ़ा देते हैं एक बार एक शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिदमत में हाजिर हुआ और अर्ज़ किया कि या नबी सल वसलम में चाहता हूँ कि मेरा रिस्क बढ़ जाए तो अल्लाह के प्यारे रसूल सल्ह वसलम ने फरमाया बावज़ू रहा कर तेरा रिस्क बढ़ जाएगा तो अल्लाह के नबी सली वसलम के इस फरमान की रोशनी में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीना में हर मुसलमान को बावज़ू रहना चाहिए ताकि उस पर अल्लाह की रहमतें नाजिल होती रहें और पूरा साल गैब से रिस्क मिलता रहे तो रिस्क में कुशादगी के लिए रमजान रमजानिक के महीना में किसी भी नमाज के बाद सात मरतबा इस दुआ को पढ़ने का मामूल बना लें इन पकीजा और हलाल रिस्क मिलेगा बरकत वाला मिलेगा वो रिस्क मिलेगा जो कभी ना खत्म होगा आपकी नस्लों तक रहेगा क्योंकि ये बरकत वाला महीना है इस महीना में आप जो भी काम करेंगे पूरा साल आप पर अल्लाह अपनी रहमतों को बरकतों को बारिश के कतरों की तरह बरसाएंगे अगर आप चाहते हैं कि आपका पूरा साल अल्लाह के ईमान में और कामयाबी और खुशहाली के साथ इस तो एतराम के साथ के गुजरे और दौलत बांटते हुए गुजरे तो आज बारह रमजान से ये दुआ शुरू करें अल्लाह मकफी नी बेहाले का अनहराम का वहन बेफजले का अमन से वाक ए अल्लाह मुझे हराम से बचा और अपने हलाल के साथ मेरी कफालत फरमा और अपने फजल के साथ मुझे बेन्यास कर दे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो इस दुआ को पढ़ेगा तो अल्लाह उस पर मुताजी का दरवाज़ा बंद कर देगा तो अगर आप रमजान में इस दुआ को रोजाना पढ़ेंगे किसी भी नमाज के बाद तीन मरतबा या सात मरतबा तो इन पाक आप पर मोताजी का तंगी का दरवाजा बंद कर देगा जुमा के दिन इस दुआ को सत्तर मरतबा पढ़ा करें क्योंकि जुमा के दिन जो सत्तर मरतबा ये दुआ पढ़ता है तो अगले जुमा तक उसे गैब से रिस्क मिलता है तो रमज़ान मुबारक में रोज़ाना किसी भी नमाज के बाद इस दुआ को लाजमी पढ़ें इन पूरा साल रिस्क ही रिस्क मिलेगा तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसे आपने लाइक करना है शेयर करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना है जजाकल्ला